वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी नो ईयर डिस्ट्रिक्ट की सीरीज़ का पार्ट टू है। फर्स्ट पार्ट में हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस किया था, तो बहुत ही क्विकली हम ये कवर करने वाले हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जे एंड के की समर कैपिटल है, ये सबको मालूम होगा। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ कश्मीर वैली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैंक ऑफ रिवर जेहलम। श्रीनगर जो है ये सिचुएटेड है रिवर जेहलम के बैंक पे, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पर कुछ हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें हुक्कर सर की। हुक्कर सर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक वेट लैंड है, रामसर साइट है। तो जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में एक ही वेटलैंड है, वो है आपकी होकर सर। अगर जम्मू एंड कश्मीर की टोटली बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में चार रामसर साइट्स हैं जो आपके सामने हैं, होकर सर, वुलर, सुरिनसर मंसार और सुमरारी। तो ये चारों रामसर साइट्स आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात श्रीनगर की करें तो श्रीनगर में एक ही रामसर साइट है, वो है आपकी होकर सर। इसके बाद आगे चलते हैं आपकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में। डल लेक आता है जो एक इको सेंसिटिव जोन है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हरी पर्वत फोर्ट की बात करें तो हरी पर्वत फोर्ट जो है इसको कोहे मरान कहते हैं, और ये बिल्ड किसने किया था, आता मोहम्मद खान ने। ओके, और इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर तीन तरह के श्राइन्स पाए जाते हैं, जिसमें मखदूम साहिब, शरीका टेम्पल और चट्टी पत्शी गुरुद्वारा। तो ये तीनों टाइप के जहाँ पर श्राइन्स पाए जाते हैं हरी पर्वत फोर्ट पे। तो इसकी जो फोर्टिफिकेशन है वो अकबर ने की थी, और नगर एक सिटी भी डेवलप की थी यहाँ पर अकबर ने, तो वो भी आपने साथ में याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हारवन जो श्रीनगर में वाटर आता है वो हारवन से ही आता है, और ये निशा जो शालीमार बाग है उसके मिडल ऑफ शालीमार बाग से गुजर रहा है हारवन। और चश्मे शाही की बात करें, अगर चश्मे शाही इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं, इट इज़ बिल्ट बाय अली मर्दान खान। अली मर्दान खान ने ये चश्मे शाही बनाया था 1632 में ऑन द आर्डर ऑफ दारा शिको। दारा शिको के आर्डर पर बनाया था, किसके दौर में, शाहजहां के दौर में चश्मे शाही बना था। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, अली मर्दान खान, दारा शिको एंड शाहजहां। एंड इसके बाद बात करें शालीमार गार्डन, जो लार्जेस्ट गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर का, ये जहांगीर ने बिल्ड किया था फॉर हिज वाइफ नूरजहां, और इसको फैज़ बख्श और फरा बख्श भी कहते हैं शालीमार गार्डन को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्विक रिवीजन जो है आपकी एक्चुअल में करा रहा हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये वो सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो श्रीनगर के अंदर पाई जाती हैं, तो इसकी मैंने क्विक रिवीजन आपके लिए रखी है। क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कर रहे हैं तो ये सारी जो प्लेसेस हैं श्रीनगर के अंदर आती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रखी है। और इसके बाद बात करें निशाद की, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर का, इसे गार्डन ऑफ जाय और ब्लिस भी कहते हैं, और ये किसने बनाया था, आसिफ अली ने बनाया था, आसिफ अली ने, जो नूर जहान का ब्रदर है, यानी ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर। तो परी महल की बात कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अबोड ऑफ फेरीज, और ये बनाया था किसने, दारा शिकू ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परी महल वाज बिल्ट बाय दारा शिकू, और इसको स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी परी महल को कहते हैं। तो आगे चलते हैं, टुलिप गार्डन की हम बात कर लें। टुलिप गार्डन जो है इसको पहले मॉडर्न फ्लोरी कल्चर सेंटर कहा जाता था, इट इज़ नोन एज मॉडर्न फ्लोरी कल्चर सेंटर अर्लियर 2007 से पहले। लेकिन जब 2007 में गुलाम नबी आज़ाद ने इसकी फाउंडेशन रखी, और इट्स कॉल्ड एज इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन। ओके, ये पॉइंट आपने याद है, ये एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। और डचीगाम नेशनल पार्क ये भी श्रीनगर में है, और इसकी खास बात यह है कि जो हमारा यूटी एनिमल है जिसको हंगूल कहते हैं वो यहीं पर डचीगाम में पाया जाता है। नागिन लेक भी श्रीनगर के अंदर है, और हज़रत बल श्राइन भी श्रीनगर की एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये फेमस है मोए जो मुकद्दस है उनके लिए। ओके, ये मोए मुकद्दस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेर मुबारक है। तो खानकाह मोहल्ला की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, और सुल्तान सिकंदर ने खानकाह मोहल्ला बनाई थी, और ये शाह हमदान भी कहते हैं इसको, हज़रत हमदान रहमतुल्लाह ताला अली के जो ये ज़ियारत है। ओके,
1395 में बनाई गई थी। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो श्रीनगर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, श्रीनगर को समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर कहते हैं, जो समर कैपिटल है, और इस सिचुएटेड कहाँ पर, सेंटर ऑफ द कश्मीर वैली ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ये दो पॉइंट के बाद हमने सीधा इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे आ गए हैं, और इंपॉर्टेंट प्लेस में सबसे पहले हमने होकर सर को देखा। होकर सर जो है, ये होकर सर एक वेट लैंड यानी रामसर साइट है, और जम्मू कश्मीर में टोटल जो वेट लैंड्स हैं यानी रामसर साइट्स हैं वो चार हैं, वो आपके सामने हैं, होकर सर, वूलर, सुरिनसार और सुमरारी। इसके बाद डल लेक हमने देखा। डल लेक जो है इको सेंसिटिव जोन है। हरी पर्वत फोर्ट की बात करें तो ये कोहे मारान इसको कहते हैं, और बिल्ट पे अता मोहम्मद खान। और ये तीन जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं हरी पर्वत पे, तो ये आपने याद रखना, मखदूम साहिब, शरीका टेम्पल एंड चट्टी पतशी गुरुद्वारा। और हारवान की बात करें, इसके बाद चश्मे शाही जो है ये अली मर्दान खान ने बनाया था दारा शिकोह के आर्डर पे शाहजहां के दौर में। शालीमार गार्डन की बात करें, जहांगीर ने बनाया था फॉर हिज वाइफ, और इसको फरा बख्श या फयाज बख्श कहते हैं। लार्जेस्ट गार्डन जम्मू कश्मीर का है। निशात बाग की बात करें, आसिफ अली ने बनाया था 1633 में। ये दो डेटें सिर्फ आपने याद रखें, 1619 में शालीमार बना और 1633 में निशात गार्डन बना। इसको गार्डन ऑफ जाय या गार्डन ऑफ बिलिस भी कहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है जम्मू कश्मीर का। परी महल को अबोड ऑफ फेरीज कहते हैं, और दारा शिकोह ने बनाया था। स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी इसे कहा जाता है। परी महल के बाद हमने बात की तुलिप गार्डन की, तो तुलिप गार्डन जो मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर, इसको पहले कहा जाता था मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर, फिर बाद में इसको इंदिरा गांधी तुलिप गार्डन 2007 में इसका नाम रखा गया। डचीगाम नेशनल पार्क में हंगूल प्रेजेंट रहता है। नागिन लेक भी जम्मू श्रीनगर में ही है। हजरबल श्राइन जो है मोए मुकद्दस के लिए फेमस है, और खानकाह मोहल्ला जो है शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत है, और इट इज़ बिल्ट बाई सुल्तान सिकंदर। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। इसके बाद कुछ आगे हम दो पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट ये है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स केम फ्रॉम साइबेरिया और अदर जो जगह हैं वहाँ से आते हैं विंटर के अंदर, और इसके साथ साथ स्प्रिंग में भी ये बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम बात करें JEW यानी जिंदल एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट। ये इसका नाम क्यों यहाँ पर रखा, क्योंकि ये जो इसका जो टारगेट है टू रिमूव रेनोवेट द मुगल गार्डन्स एंड टू ट्राई टू ऐड द यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये जो जिंदल एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट है, ये चाहती है कि मुगल गार्डन्स को रिनोवेट करके यूनेस्को के हेरिटेज साइट बनाया जाए, क्योंकि अभी तक टिल नाउ देर इज़ नो यूनेस्को हेरिटेज साइट इन जम्मू कश्मीर। अभी तक यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है, तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस पर जोर लगाया हुआ है कि ऐसी होना चाहिए। हिस्ट्री की जहाँ तक हम बात करें श्रीनगर की, तो हिस्ट्री में आप देखोगे श्रीनगर वॉज रूल्ड बाई मौर्या एम्पायर थर्ड सेंचुरी में मौर्य एम्पायर यहाँ पर आ गया था, और मौर्य एम्पायर में से अशोका जो था इन्होंने श्रीनगर सिटी बिल्ड की। इसके बाद हम बात करें बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर के अंदर, किसने, अशोका ने। ओके, इसके बाद हम किंग विक्रमादित्य आए, और जो उज्जैन से आए थे इन्होंने क्या किया, रूल किया सिटी पे, श्रीनगर सिटी पे। एंड देन इसके बाद हंस जो है, हंस आ गए जिन्होंने 6th सेंचुरी में रूल किया है श्रीनगर के ऊपर। और आफ्टर 14th सेंचुरी हम बात करें तो ये जो सिटी थी श्रीनगर, ये केम अंडर द रोल ऑफ मुगल्स। तो मुगल्स के हैंडओवर हो गई थी कौन सी, ये श्रीनगर सिटी। 14th सेंचुरी में मुगल का राज यहाँ पर चल गया था। श्रीनगर वाज मेड कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिटी को कैपिटल कब बनाया गया, किसके दौर में, ड्यूरिंग द राइन ऑफ रूल ऑफ यूसुफ शाह चक, जो हब्बा खातून का जो हस्बैंड है यूसुफ शाह चक, इसके दौर में श्रीनगर को कैपिटल बनाया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है क्वेश्चन के लिए। और 1907 1707 में मुगल डोमेन जो है कम इन टू एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। 1707 में मुगल का जो एम्पायर था वो ख़त्म हो गया। मुगल के दौर में बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने, हमने प्लेसेस देख लिए, शालीमार वगैरह वगैरह सब हमने देखा। इसके बाद दुरानी जो एम्पायर है, दुरानी एम्पायर ऑफ अफगानिस्तान यहाँ पर रूल किया। उसमें राजा सुख जीवन माल जो है ये सोल्जर था अफगान दुरानी आर्मी का, और बाद में ये गवर्नर बन गया, और उसके बाद किंग बन गया। 1754 से 62 तक कश्मीर का ये किंग रहा है, राजा सुख जीवन मल। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है आपको, ये अफगान का था, राजा सुख जीवन मल। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1814 में सिख रूल जो है वो स्टार्ट हो गया कश्मीर यानी श्रीनगर के अंदर। महाराजा रणजीत सिंह ने रूल किया कश्मीर को।
इस दौर में 1814 के दौर में। और डोगरा रोल की अगर जहाँ तक बात करें, 1846 से लेकर 1947 तक लगभग डोगरा रोल रहा है श्रीनगर के अंदर। और श्रीनगर वाज कंसीडर्ड एज प्रिंसली स्टेट है, सबको मालूम होगा ब्रिटिश इंडिया के दौर में ये प्रिंसली स्टेट ही थी, बाद में इसको स्टेट बनाया गया था। इंडिपेंडेंट फैक्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर आप कहें तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कश्मीरी सैफरान जो है उसको GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है 2021 में। तो विलो बैट की बात करें, ये इसके लिए डिमांड की हुई है कि जियो टैग इसको मिलना चाहिए। गुच्ची का क्वेश्चन आपने रिसेंटली देखा है, JKSSB ने पूछा था। ये कश्मीरी मशरूम है, बहुत ही कॉस्टली मशरूम होती है, इट आल्सो डिमांडेड फॉर, इसके लिए भी जियो टैग की डिमांड, यही क्वेश्चन पूछा था कि किस क्रॉप के लिए जियो टैग की डिमांड की गई, एक्सेप्ट सफरान, सफरान को तो मिल गया है उसके अलावा, तो वो गुच्ची उसका आंसर था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब विलो बैट का भी पूछा जा सकता है, दोनों पॉइंट याद रखना, गुच्ची एंड विलो बैट। इसके बाद हम बात करें श्रीनगर रिसेंटली एडेड द यूनेस्को, ये पॉइंट करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में ऐड कर दिया गया है श्रीनगर को, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी में इसको ये मिला है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट फ्लोटिंग ATM ऑन डल लेक। तो ये पूछा जाता जा सकता है कि जो फर्स्ट फ्लोटिंग ATM है कौन सी लेक पे है, तो डल लेक पे है और डल लेक श्रीनगर में है, तो ये आपने, और किसका ATM है? SBI का। तो ये तीनों पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये थी हमारी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, नौ ईयर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो इस सीरीज़ की आती है तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़रूर आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।